अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये भी बहुत मज़ेदार है। ये है जनाब चिकन वेजिटेबल पास्ता। तो पास्ता बनाने के लिए आपको जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो हम देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास एक बॉल में पास्ता है। पास्ता आप अपने जितना आपको नीड हो आप उतना ले लीजिएगा। एक बॉल मेरे पास चिकन बोनलेस है, मिक्स वेजिटेबल है एक बॉल में। इसमें मेरे पास ग्रीन बीन्स हैं, पीस है, कैरेट है और कॉर्न है। ऑयल हमें चाहिए होगा फ्राई करने के लिए। पास्ता सॉस है, अगर आपके पास पास्ता सॉस ना हो तो आप टमाटो पेस्ट ले लीजिए या टमाटो सॉस यूज़ कर लीजिएगा। अनियन है, प्याज दो अदद हैं मीडियम साइज़, इन्हें मैंने कट कर लिया है। और ये रेड चिल्ली पाउडर है एक टीस्पून। सॉल्ट है या अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लीजिएगा। गरम मसाला पाउडर है हाफ टी स्पून। गार्लिक पाउडर है हाफ टी स्पून। दैट्स इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास्ता बॉयल करने के लिए एक पैन में पानी मैंने ले लिया। इसमें सबसे पहले पास्ता डालना है। पानी थोड़ा गर्म हो गया, इसमें हमने पास्ता डाला। साथ ही थोड़ा सा ऑयल, ताकि स्टिक ना, थोड़ा सा ऑयल डाला और थोड़ा सा इसमें नमक जो है वो शामिल कर लेंगे और इसे बॉईल होने के लिए रख दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के करीब होगा। दैट्स इतना ऑयल है हमारे पास। अब इसमें प्याज, ये देखिए ये 2-3 मिनट हो गए प्याज को। इसका बस बहुत ज़्यादा इसका ना कलर ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि पास्ता में है। तो फिर हल्के ही रखूँगी, लाइट साइज हो जाएगा जब फ्राई। तो इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन को हम प्याज में फ्राई कर लेंगे। जब चिकन हल्का सा इसको फ्राई करके, इसमें ये गार्लिक पाउडर है, आप चाहें तो गार्लिक पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास गार्लिक पाउडर है, मैं डालूँगी हाफ टी स्पून। और साथ ही ये हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी, जिससे बहुत अच्छी जो है वो स्मेल आ जाएगा। हाँ, फ्लेम हम जो है आप इसका मीडियम कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पर रख के बनाएंगे। अब हम इसमें ये रेड चिली पाउडर ये डाल लेंगे और सॉल्ट, दोनों चीज़ें साथ शामिल कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं आगे दोनों चीज़ें। ये रेड चिली पाउडर ये हम इसमें डालेंगे। ये सॉल्ट शामिल किया। ये अगर इसमें टर्मेरिक पाउडर या ये जाएगा, साथ ही ब्लैक पेपर पाउडर ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसे अच्छे से पास्ता भी तमाम वेजिटेबल में मिक्स कर लेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसे पास्ता सॉस ये शामिल करेंगे। ये मेरे पास तकरीबन 3-4 टेबल स्पून है, इसमें डाल दें। शामिल करके मिक्स कर लिया। आप इसमें टमाटो पेस्ट शामिल कर सकते हैं और टमाटो सॉस शामिल कर लीजिए। ये बहुत से तरीक़ों से बनता है, जिस तरह से आप पसंद करते हैं उस तरह से इसे बना लीजिए। ये देखिए ये हमारा पास्ता जो है डन हो गया। ये इसकी फाइनल लुक है, ज़बरदस्त सही। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए ये पास्ता हमारा रेडी है, ये वेजिटेबल के साथ, चिकन के साथ। कितना ज़बरदस्त पास्ता लग रहा है। आप लोग इसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सा अपना ख्याल रखिए।
और चलते चलते आखिरी बात, खुश रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।